यहाँ पे आ गए हैं मारुति सुजुकी के काउंटर पे। यहाँ पे आपको मारुति सुजुकी घर की चिमनी, यहाँ पे देखिए चिमनी दिख जाएगी आपको। तो चलते हैं उसके पास में, यहाँ पे जो है ग्रैंड विटारा भी जो है खड़ी हुई है। चलते हैं चिमनी की, और बहुत भीड़ लगी हुई है अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं चिमनी की साइड, पीछे का आप उनको कवर देखेंगे ना, तो चिमनी का कवर पीछे से पियानो ब्लैक कलर में मिलेगा, सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। यहाँ पे पीछे आप टेल लैंप्स देख रहे होंगे, नीचे चिमनी की बैजिंग आपको दिखेगी, और ऑल ग्रिप ना आती यहाँ पे, आप ऑल ग्रिप देख पाएंगे। नेक्सा के शोरूम में आपको मिलेगी, अरेना में नहीं मिलेगी ये चीज़। तो ये नेक्सा का प्रोडक्ट रहने वाला है, और पीछे बैक सेंसर्स आपको देखा, छोटे छोटे बैक सेंसर्स, 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे बैक सेंसर्स लगे हैं। कैमरा भी दिखिए मेरे को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा भी लगा हुआ है गाड़ी में, और पीछे से जो लुक है उसका काफ़ी छोटा सा ही दिखता है, ऐसा कुछ हैवी गाड़ी जैसी दिख नहीं रही है। लेकिन लेंथ वाइज अगर देखें तो लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हैं बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ की दिख रही है। यहाँ पे आपको देखा है एंटीना भी जो है बहुत ऑल्ड पोजीशन में दिख रहा होगा आपको, राइट हैंड साइड में ग्राफिक्स लगे हुए हैं, फोर व्हीलर कहाँ चाह आप देखिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप टायर प्रोफाइल देखेंगे ना, तो ये 15 इंच के टायर प्रोफाइल लगे हुए हैं, और अलॉयज भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन टायर बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गाड़ी भी कॉम्पैक्ट ही लग रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बॉर्डर जैसा आप देख सकते हैं, सब छोटे छोटे टायर हैं। और अब उसके बाद अपन आगे से और शूट करते हैं, यहाँ पे आपको जिमनी की बैटरी दिख जाएगी के ऊपर। मॉडिफिकेशन के बाद तो काफ़ी अच्छी लगेगी, अगर मॉडिफाई हो सकती हैं गाड़ियाँ भी, मॉडिफिकेशन इनका भी होगा जैसे थार का होता है। तो नीचे के जैसे आप देख रहे हैं फुट रेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं है, तो फुट रेस्ट वगैरह आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो जब आएगी तब उसके बाद इसकी एक्सेसरीज भी आएंगी, वो सब भी हो जाएगा। ऊपर क्रॉस बार्स लगा के रखे हुए हैं अभी कंपनी ने, हालांकि वो भी एक एक्सेसरी पार्ट ही है, लेकिन फिर भी अभी कंपनी ने थोड़ा सा उसको बोल्ड लुक देने के लिए ऊपर क्रॉस बार्स लगा रखे हैं। आइए फ्रंट में चलते हैं, और इसका फ्रंट टाइम आपको हमें इंटीरियर देखने को मिल गया, इसका थोड़ा सा आपको इंटीरियर से दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं चिट्ठी लगी हुई है लगभग 8 to 9 inches के आसपास में, डिस्प्ले में जो इसका आप वो देख रहे होंगे व्हील, स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील अपना नॉर्मल जैसा डिज़ायर और ब्रेजा वगैरह में ग्राइंड में कारण आ रहा है लगभग वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आपको स्पीडोमीटर एक दिखते हैं, जिसमें कि स्पीड में दिखेगी, एक में शायद RPM वगैरह दिखेगा, ग्राइंड वगैरह आप देख सकते हैं, AC कंट्रोल भी आप देख पाएंगे इसमें, ये ऑटोमेटिक में दिख रहा है। कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर होने वाला है, यहाँ पे आप इंटीरियर में चेक कर पाएंगे, रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है, और कांच इनके पूरे टिंटेड है, इसलिए जो है अंदर ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को जितना कोशिश होता रहेगा उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर भी देख पाएंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, और इस पे गेट पे भी है, ड्राइवर गेट पे भी है, टेल गेट पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है। अब आपको फ्रंट से और दिखाते हैं इसको, ये जो है इसका थोड़ा फ्रंट लुक है जिसको आप अभी देख पाएंगे। तो यहाँ से आप इसका फ्रंट लुक चेक कर पाएंगे, नीचे जो है लेंस लगे हुए हैं, ऊपर जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलेंगे आप, प्रोजेक्टर हेडलाइट है इसके अंदर, एक DRL है छोटी सी नीचे, और ग्रिल भी देख सकेंगे आप, एक ग्रिल बहुत अच्छी है, थोड़ी सी आगे से भी छोटी दिखती है, इतनी बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, और काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे भी। ये यहाँ से फ्रंट लुक, आप फ्रंट इसका जो बोनट है वो भी देखेंगे। ये है आपके सामने चिमनी का एक और नया कलर, और इसके अंदर का इंटीरियर आ जाता है, आपको दिखाना है अभी हमने आपको थोड़ी बाहर से दिखाई थी, अब आप इंटीरियर से भी देख पाएंगे किस तरीके के गेट रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको इंटीरियर भी मिलेगा आपको अच्छा,
चिमनी आपके साथ। तो ये था वीडियो पूरा हमारा चिमनी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।